आ चुके हैं गाइस एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में गाइस कुछ लोगों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है और बहुत से लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे जो लोगों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है वो किस कारण नहीं कर रहा है वो आज इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे पूर्वांचल ने एक नोटिफिकेशन दिया जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि किन कॉलेजों का यहाँ पे रुका हुआ है और किन किस वजह से यहाँ पे आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। सो गाइज इसलिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो सके। बट दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी। माय नेम इज पीयूष गुप्ता। तो यहाँ पे गाइस हमारा नोटिफिकेशन पेज खुल चुका है जहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक 29/7/2022 यानी कि कल के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि क्यों आपके रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। स्नातक स्तर पर कला विज्ञान वाणिज्य प्रथम सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन सैद्धांतिक प्रायोगिक अंक तथा स्नातक स्नातकोत्तर मौखिकी प्रायोगिक अंक उपलब्ध कराने के संबंध में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों के मौखिकी का यानी कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंक यानी कि शो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आगे के देख लेते हैं। कृपया अवगत कराना है कि कतिपय महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए गए स्नातक स्तर पर कला विज्ञान वाणिज्य प्रथम सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के सैद्धांतिक प्रायोगिक अंक महाविद्यालय द्वारा तथा स्नातक स्नातकोत्तर के मौखिकी प्रायोगिक अंक के अंकपण में कमियां होने के कारण परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी द्वारा अंकपणों में कमियों का निस्तांतरण किए जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्यालय को वापस किया गया है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप, जैसा कि बताया गया है कि अंक में कमियां होने के कारण यहाँ पे निस्तारण कर दिया गया है। तो ऐसे महाविद्यालय की सूची उनके सम्मुख उनके अंक पड़ों में पाई गई कमियों का उल्लेख है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शित की जा रही है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कॉलेज के नाम भी दिखाऊंगा कि किन किन कॉलेजों से यहाँ पे रुके हुए हैं अंकपत्र, जिसकी वजह से रिजल्ट एजेंसी जो है वो आपको अपना रिजल्ट शो करने नहीं दे रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अपने महाविद्यालय में संबंधित कमियों का निराकरण कर अंक पढ़ विलंब दिनांक 2/8/2022 तक विश्वविद्यालय के गोपनीय अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि परीक्षा फल पूर्ण कराया जा सके। तो यहाँ पे गाइस आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम हैं जिसमें आपके आपत्ति की दृष्टि दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ पे महाविद्यालय सल्तनत बहादुर महाविद्यालय बदलापुर जौनपुर, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विषय भूगोल गृह विज्ञान शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र भोजन पोषण एवं स्वच्छता। यहाँ पे जो दिक्कत आई है गाइस, यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन की कार्बन कॉपी साफ़ नहीं है। तो जो आंतरिक मूल्यांकन की कार्बन कॉपी है वो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए गाइस यहाँ पे कुछ लोगों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है वो यहाँ पे जाहिर किया गया है। तो इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से क्लिक करके अपने कॉलेजेस का नाम देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है और कैसे यहाँ पे आपत्ति आई है, ये सारी जानकारी दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं। ये था गाइस आज का हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे गाइस आप लोगों के आंसर देता रहता हूँ। एंड गाइस मैं कम्युनिटी टैब पे अपने रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को पोस्ट भी करता रहता है, वहाँ पे भी आप कमेंट जरूर किया करें जिससे कि मुझे आपकी क्यूरीज के बारे में पता चले कि आप लोगों को क्या चाहिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।